नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रायपुर की, महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। 18 जुलाई तक पुलिस रिमांड में सैद यादव हैं। कोर्ट ने निलंबित किया कांस्टेबल को, भेजा है रिमांड पर। अब ईओडब्ल्यू 7 दिनों तक पूछताछ करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या ज्यादा अपडेट मामले में? जी देखिए, 18 तारीख तक के यानी कि 7 दिन की जो कस्टडी है वो ईओडब्ल्यू को दी गई है। जो सहदेव यादव है, निलंबित कांस्टेबल है, उसको लेकर के महादेव सट्टा ऐप पर एक बड़ी गिरफ्तारी है और 11 बैंक के 2 करोड़ से अधिक की राशि को जो अब होल्ड कराया है, सीज किया है, एक बड़ी कार्रवाई है। और लगभग 40 करोड़ से अधिक के जो राशि है उसे वैध करने का आरोप इस पर है। और उसी महादेव सट्टा ऐप के पैसे से जो निलंबित जो कांस्टेबल है, जो आरोपी है, उसने एक इनोवा गाड़ी भी खरीद रखी थी और उसे जब्त किया है। क्योंकि अब आरोपी ईओडब्ल्यू के शिकंजे पर है तो हो सकता है कई और राज है वो उगलेगा और इसके बाद और जो आरोपी हैं, सह आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल 18 जुलाई तक के अब ईओडब्ल्यू है उसे पूछताछ कर सकेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। कल सीएम विष्णुदेव साय अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे। रायपुर से विशेष विमान से साय कैबिनेट अयोध्या रवाना होगी। अयोध्या में सीएम साय और उनकी कैबिनेट रामलला के दर्शन करेगी और इस बात की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दी है। कल पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या जा रहा है। हम लोगों के भाचा श्री राम जो वहां पर भव्य मंदिर में विराजे हैं उनके दर्शन के लिए कल आप लोग। तो साय कैबिनेट जाएगी अयोध्या, रामलला के दर्शन करेगी। लंबे इंतजार के बाद अब जाकर के प्लान बना है और 2-3 दिन पहले भी आपने सुना था कि सीएम साय ने कहा था कि बहुत जल्द हम अब रामलला के दर्शन करने जाने वाले हैं और अब वो दिन आ चुका है। कल जाने वाली है साय कैबिनेट। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, साय कैबिनेट जा रही है रामलला के दर्शन करने, कल कितने बजे रवाना यहां से होंगे, कब पहुंचेंगे और साथ ही साथ कितनी देर का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर तक रहने वाले हैं वहां पर? जी बिल्कुल, लंबे इंतजार के बाद वो समय आ गया है जब पूरा कैबिनेट अयोध्या जा रहा है, रामलला के दर्शन करेगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा मुद्दा था और यहाँ भी राम के नाम को लेकर भाजपा ने खूब भुनाया और लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई थी। जब रामलला अयोध्या में विराजमान हुए तो यहाँ भी उत्सव मनाया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने, विष्णुदेव साय ने कहा था कि अयोध्या जल्दी जाएंगे, रामलला के दर्शन करने जाएंगे, पूरा कैबिनेट जाएगा। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही थी, लोकसभा चुनाव थे, इसके बाद सरकार के कामकाज निपटाने थे तो लगातार देरी हो रही थी, नहीं जा पा रहे थे। लेकिन कल वो समय आ गया है कि सभी कैबिनेट जा रहे हैं रामलला के दर्शन कर, विशेष विमान से माना एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे और वहां पे मंदिर के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद होंगे, इसके लिए निर्देश दे दिया गया और सुबह यहां से रवाना हो गए। सुबह करीब 9 बजे रवाना होंगे, वहां पे दर्शन करके वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। एक दिवसीय कार्यक्रम है और शाम तक के जो है वो पूरा कैबिनेट लौट आएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की मितानिनों को ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि दिए जाने की व्यवस्था का शुभारंभ किया। अब मितानिनों के बैंक खातों में डायरेक्ट प्रोत्साहन राशि आएगी। सीएम साय ने 70,000 मितानिन महिलाओं के खाते में 90 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की है। कार्यक्रम में 3,000 से ज्यादा मितानिन शामिल हुई। प्रोत्साहन प्रदेश के हमर 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनी मंगला हमन घूमते रहन और ये समस्या आ रही से हमर दीदी बहनी मन के तरफ से कि हमन के राशि हर
महीना महीना नहीं मिले और ओकर वजह से कठिनाई आते, तो मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री ला बोले रहे कि भाई ऐसा कोई उपाय आप करिए कि हमारी मितानिन दीदी बहनों को महीना के महीना पैसा पहुंच जाए, जैसे हमारे महतारी बंधन के पैसा हमारे माता बहनी मन के खाता में हर महीना जाते। केंद्र सरकार के फैसले का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 25 जून 1975 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के अमानवीय दर्द को भारतवासी अनंत काल तक नहीं भूल पाएंगे। लोकतंत्र सेनानियों ने तत्कालीन सरकार से लड़कर अपना सब कुछ झोंक कर देश को दूसरी आजादी दिलाई थी। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का दिन है, जो उनके विराट योगदान का स्मरण कराता है कि कैसे उन्होंने आपातकाल की विभीषिका को झेला था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल का आज एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने दीपक बैज का स्वागत किया। इस दौरान दीपक बैज ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, साथ ही 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने की बात कही। राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। महिलाएं, व्यापारी, आम आदमी सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पार्टी 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान करती है। कोरबा से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। वसीम हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। नाबालिग प्रेमिका ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया था। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर दिए गए थे। बोरी में शव के टुकड़े भरकर ठिकाने लगाया गया था। ओडिशा से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वसीम से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। तो वसीम हत्याकांड का खुलासा यह हुआ है, प्रेम प्रसंग में हत्या होना बताई जा रही है। तो गोपालपुर की डैम है, जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहां पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहां से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही। तो ये बड़ा मामला जो है, आपको बताएं, हत्याकांड ये हुआ था और हत्याकांड के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही साथ गुत्थी पूरी सुलझ चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, वसीम हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी, जानकारी क्या है आपके पास? जी, आपको बता दूं कि पाली थाना क्षेत्र के जो गांव में जो डैम के पास एक लाश मिली थी, जिसमें बोरियों में और बैग में ही, और अब पुलिस जो है, अब जो आरोपी है नाबालिग और उसकी जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इनकी दोस्ती जो है पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी, और उसके बाद ये बाकायदा उसको, जो मृतक है वसीम को, सऊदी अरब से यहाँ बुलाते हैं, इंडिया आता है, वो रांची पहुँचता है, रांची से बिलासपुर पहुँचता है, और बिलासपुर से उसको लेने जाते हैं ये दोनों आरोपी, और उसे लेकर यहाँ कोरबा में लाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर उसके लाश के टुकड़े करते हैं और उसको ठिकाने लगाने के लिए बांगो क्षेत्र में भी, बांगो जो डैम है वहाँ
वहां भी इनकी लाश को ठिकाने लगाने ले गया फेंका गया था। और उसके बाद जो बची लाश है उसको चैतमा जो क्षेत्र है वहां का एक डैम के पास फेंका गया था, जिसमें पासपोर्ट मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई और उनके परिजनों को बुलाकर इसकी तस्दीक कराई। उसके बाद जो है आरोपियों को गिरफ्तारी की है। और इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने बताया कि जो आरोपी है नाबालिग को उसने जो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग कर उससे रुपए भी जो है काफी अपने खाते में लिया और उससे खरीदारी भी करवाई थी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। मुंगेली का जिक्र करेंगे, दुकान पर भीषण आग लगी, दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है, आग से लाखों का नुकसान भी हुआ है। फिलहाल अभी मौके पर टीम मौजूद है, जांच पड़ताल जारी है और साथ ही साथ ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आप देखिए मुंगेली की, दुकान में भीषण आग, धुएं के गुबार को देखकर समझा जा सकता है, आग के लपटों को देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ही आग रही होगी। हालांकि समय रहते काबू भी इस पर पा लिया गया, वरना आसपास कई सारी दुकान मकान हैं जो चपेट में आ सकते थे और बड़ा नुकसान हो सकता था, जान माल का खतरा हो सकता था। उससे राहत मिली है और समय रहते काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट शुरुआती जाँच में वजह बताई जा रही है कि इस वजह से हो सकता है आग लगी हो, पर तस्वीर आप देखिए कितनी भयानक ये तस्वीर है, दुकान में भीषण आग और लाखों का नुकसान भी यहाँ पर हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये आग का तांडव हम देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें आग की, क्या कारण बताए जा रहे हैं, क्या स्थिति है बताइए। जी मैं बता दूं कि ये पूरी घटना पथरिया इलाके के सिलधा गाँव की है, जहाँ आज शाम एक जनरल स्टोर में भीषण आग लगी और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और उस समय दुकानदार जो है वो दुकान बंद करके कहीं काम से गया हुआ था और इस दौरान उसने 2,10,000 रुपए जो धान बेचकर रकम आई थी उस रकम को भी दुकान में ही रखा था। तो इस तरह जो जानकारी मिल रही है 10 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर खाक हुआ है और जब तक की फायर ब्रिगेड आती तब तक पूरा दुकान जलकर सुहा हो गया था और लगभग 10 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है और वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है कि वहीं जिस तरह दुकानदार के व्यवसाय बताया जाता है कि गांव का सबसे बड़ा दुकान था और प्लास्टिक के जो सामान है वो सबसे ज्यादा रखे हुए थे, इस कारण जो आग है भीषण होते चलेगी और जब तक फायर ब्रिगेड आता तब तक दुकान पूरी तरह जलकर सुहा हो गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए प्रशांत। तो देखिए सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे ये भयानक आग जो लगी, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह, साथ ही साथ 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है।